Hi, hi, Kasu. Good morning, sir. Morning, morning. Welcome, everybody. Sairaj sir का किसी को introduction की जरूरत नहीं, सबको पता है सर इंडिया के लिए. पर और थोड़े जो टीम के लिए खेले उनका मैं mention करता हूँ कि रणजी ट्रॉफी में सर मुंबई, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आसाम के लिए खेले और सर्रे क्रिकेट बोर्ड के लिए भी काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं और सर फर्स्ट क्लास भी 188 मैचेस के लिए, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. सो बहुत हार्डली इतने कोई 100 फर्स्ट क्लास भी बहुत कम लोग थे सर ने तो 188 फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए. तो वेलकम सर. थैंक यू वेरी मच कौस्तुभ. सर आपका जर्नी कौन से एज में स्टार्ट हुआ था जो क्रिकेट? कौस्तुभ मेरा क्रिकेट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था स्कूल में, मैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में था और तभी गाइल शील्ड, हैरिस शील्ड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स रहा करते थे. सो बेसिकली तभी वो स्टार्ट हुआ था. एंड वहाँ एक्चुअली दो पीरियड में बेसिकली जूनियर क्रिकेट जो है वो उसका वैल्यू बहुत रहा करता था, अभी भी है. बट तभी आई थिंक टू गेट इन टू एनी स्टेज ऑफ योर क्रिकेटिंग करियर गाइल शील्ड, हैरिस शील्ड वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट. उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी अच्छे कॉलेज में मिलती थी और उसके बाद यूनिवर्सिटी का खेलना होता था. सो आई थिंक आई स्टार्टेड ऑफ व्हेन आई वाज इन द सेवेंथ और इनफैक्ट इन द एथ, सबसे मैं चालू कर दिया था क्रिकेट खेलना. ओके. और जो सचिन तेंदुलकर और विनोद चामली का जो पार्टनरशिप हुआ था 649 रिकॉर्ड पार्टनरशिप, तो सबको बताना चाहूँ कि सायराज सर अपोजिट टीम में थे. तो आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार आईएस में आईएस इंग्लिश स्कूल में था और क्विज शो रहता था. तो आईएस इंग्लिश स्कूल अगेंस्ट डॉन बॉस्को स्कूल का था और मैं भी उस क्विज में था. पर टोटल तीन राउंड होते थे तो वो राउंड में मैंने नहीं था. तो एक बोनस पॉइंट के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे मालूम था कि आप खेले थे. उन्होंने पूछा था कि कौन सा टेस्ट प्लेयर जो अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के अगेंस्ट खेले थे वो रिकॉर्ड पार्टनरशिप में. तो मुझे मालूम था क्योंकि मैं एमआईजी क्रिकेट क्लब के लिए खेलता था वो टाइम में और आपका नाम तो वहां हमेशा, क्योंकि आपको देखा भी था मैंने बहुत बार एमआईजी क्रिकेट क्लब में. तो सब कोचेस बोलते थे सायराज बोतुले इतने सारे रिकॉर्ड्स है ऑन ऑफ दिस, तो मुझे मालूम था. तो मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त कोई देखे वहां से कि मैं ऐसा थोड़ा, क्योंकि सबको आपका नाम मालूम है, थोड़ा भी दिलीप सिंह देख के कोई भी बोल देगा. तो वो बोनस पॉइंट के लिए था वो और उसने देखा और उसने सायराज बहुतले बोला और वो जीते थे. तो एक फनी इंसिडेंस था मेरे लाइफ में. और आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ था वो टाइम में, मतलब आपने ऑलमोस्ट कितने ओवर्स फील्डिंग किए थे? नहीं एक्चुअली डेढ़ दिन में वो लोग ने 664 किए थे. और क्या सी देखो, सचिन और विनोद जब वो एज में थे वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स थे. उनका क्रिकेट खेलने का स्टाइल जो था, जिस तरह से उन लोग उनका वर्क एथिक्स और वो जिस तरह से प्रैक्टिस करने के, उतने प्रैक्टिस गेम्स खेलने के, शारदाश्रम स्कूल बहुत ही आपको पता है कि रेनाउंड स्कूल था क्रिकेट के लिए और वैसे ही वो लोग मेहनत करने के. और हमारे हमारी स्कूल जो थी वो सॉर्ट ऑफ एमेच्योर क्रिकेट खेलने की, यानी ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता था. लेकिन मैं एक ऐसा प्लेयर था जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहता था, बट तो भी वो टीम को मैं एक साथ रख के ट्राई कर रहा था कि किस तरह से हम जीते. बट हमको अपॉर्चुनिटी जब शारदाश्रम के सामने मिली तभी एक अच्छा एक्सपीरियंस था. कोई कोई बच्चे के लिए डिसअपॉइंटमेंट थी बट कोई कोई के लिए एक आई थिंक यादगार यू नो मैच है और ऑल थ्रू आउट करियर. लेकिन वो डेढ़ दिन में वो लोग ने किया था, चौके छक्के चालू ही थे. और जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत बार कह भी चुका हूँ कि वो मैच अभी भी चालू रहता था अनलेस वो लोग ने डिक्लेयर नहीं करता था तो अभी भी फील्डिंग करते रहते. लेकिन आई थिंक सेकंड जब नेक्स्ट डे लंच टाइम पे सचिन ने आचरेकर सर को फोन किया था और पूछा कि और क्या करना चाहिए, तो तभी उन्होंने कहा था कि डिक्लेयर करना चाहिए और आगे नहीं खेल के, क्योंकि और एक मैच उनकी आने वाली थी, हैरिस शील्ड की थी. तो सर चाहते थे कि सचिन और विनोद वो भी जाके खेले, तो उन लोग ने डिक्लेयर कर दिया और हम लोग बच गए और हमारा जो डेढ़ दिन का ट्रॉमा था वो खत्म हो गया. सो या इट वॉज एन अमेजिंग गेम, इट वॉज समथिंग
which will always be in my memory. And usme actually kya mujhe mera personally disappointing in the sense mujhe wicket bhi nahi mile the, main 2500 aur kuch 100 I don't know 30 40 run diye the, batting mein thode bahut run kiye the, lekin ek ek do choices the, either continue karna nahi to fir padhai mein dhyan dena aur kuch dusra banna. But I think wo pehla choice maine bola ki chalo ek match ho jata hai kahan pe, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, लेकिन उससे कुछ मैंने एक सीख ले ली और आगे बढ़ता गया और कंटिन्यूड प्लेइंग गया. ओके, तो सर वो आपका कोमा का स्टोरी सच है क्या? देखो कैसा है कि वो एक्सीडेंट विच वाज अनफॉर्चुनेट इन माय करियर, मैं 17 साल का था तभी वो एक्सीडेंट हुआ था और अनफॉर्चुनेट था क्योंकि मैंने एक मेरा दोस्त उसमें he passed away, so it was very traumatic. And और एक दोस्त था, हम लोग तीन जन थे, एक कार एक्सीडेंट हुआ था, सो तीसरा जन था वो भी बैडली इंजर्ड था और मुझे भी एक्चुअली डेढ़ दिन मैं था कोमा में था. आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर दैट मेनी आवर्स, बट देन आई ऑब्वियसली आई केम आउट ऑफ इट लकीली. मैंने मेरा लेग फ्रैक्चर्ड था, फीमर टूट गया था तो रॉड डालना पड़ा था, बड़ा ऑपरेशन हुआ था. बट दैट वॉज या समथिंग इन माई लाइफ, एक इंसिडेंस हुआ था जिससे मुझे आई थिंक इट कम्प्लीटली टर्न्ड माई वे ऑफ थिंकिंग हाउ लाइफ हैज टू बी टेकन एंड आई गॉट मोर डिटर्मिंड कि कुछ अभी लाइफ में बनना है और कुछ करना है. तो वो एक्सीडेंट जो था वो थोड़ा मुझे एक लाइफ में वेकअप कॉल जैसा था कि यू नो यू कांट रियली टेक लाइफ दैट कैजुअली एंड ईजिली ऑल्सो एंड इट टीचेज यू समथिंग और दी अदर. सो I decided to, you know, look at the positive side and yeah, worked hard and achieved a little bit whatever I could. Yeah. Sir, this is unbelievable कि कोई कोमा में जाके इतना बड़ा लेवल खेलना, ऊपर से रॉड था और ऊपर से आपने इतने मैचेस खेले, तो सर उसके लिए जितना बोले उतना कम है आपके लिए. नहीं कौस्तुभ, कैसा है कि मैं अकेला ही नहीं हूँ प्रॉब्ली इस sort of accident or a situation में से पास हो. इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है जहां पे यू नो लाइफ में एक इंसिडेंस हो जाता है और एक ड्रॉबैक आ जाता है और एक सॉर्ट ऑफ कैलामिटी हो जाती है जहां से अपने ऊपर चॉइसेस रहते हैं, यानी कि आइदर तुम उसे एक दुख भरा चीज समझो और उसके ऊपर रोना धोना ही करते बैठो, और अदर ऑप्शन इज टू मूव अहेड. सोचना चाहिए कि चलो ये हुआ है और किस तरह से मैं ये एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है कुछ बनने के लिए वो किस तरह से मैं करूं. लकीली मेरा सिर्फ पांव था, लेकिन देर आर सो मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड और यू नो इन इंडिया ऑल्सो एट स्पोर्ट्स पर्सन जिनके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, तो भी वो एक डिटर्मिनेशन के साथ स्पोर्ट्स खेलते हैं और बहुत अचीव भी कर सकते हैं और कर चुके हैं. So it is something which I think each person jo hai who's fit and fine, jisko kuch drawback bhi nahi hai, you should realize that when you've been given this opportunity to be fit, you have to make the most of it and you know give each day the 100% and see what best can be done. So you know, for me, again, I don't look at it as something which is you have to have pity on me or somebody should have feel bad about it. It is a question of an incident which has taken place and how you come out of it is important, and then how you react to life at that particular time is the key. So mujhe lagta hai ki wo sabse important hai. And or if you know mera bhi yahi cheez hoti hai ki if mere wajah se main inspire karu koi player cricketer ko ya any sports person ko with my story and the way I came out of it, and you know, I was with blessings. I went on to play for the country, you know, and played 21 years of first class cricket. So I think it is a lot to do with the way you think, you know, after a trauma or after a drawback in life. Right, and this will definitely motivate me because mera bhi India under 23 khelne ke baad surgery hua tha. To uske baad mein matlab shoulder surgery hua tha, bada tear tha. तो वो टाइम में डॉक्टर बोले कि इसको बहुत टाइम लगेगा, दो साल मेरा वेस्ट हो गया. तो वापस कम बैक किया था पर वो साल में इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था. तो वो ये स्टोरी मुझे डेफिनेटली मोटिवेट करेगी क्योंकि मेरा आपके सामने तो कुछ भी नहीं है, तो वो डेफिनेटली मुझे मोटिवेट करेगा. और बहुत सारे जो प्लेयर्स है जो थोड़े थोड़े चीज के लिए भी रोते रहते हैं उनको भी ये मोटिवेट करेगी. एंड नेक्स्ट सर, आप अंडर 19 में बहुत सारे परफॉर्मेंस करने के बाद आप जब रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुए तो आपको
कैसा फीलिंग था वो टाइम में? देखो मेरा वो एक्सीडेंट जब हुआ तभी मैं एज आई सेड कि 17 साढ़े 17 साल का सा एज मेरा उतना था. तो बेसिकली मैं अंडर 19 को मुझे जब पहली अपॉर्चुनिटी मिली एक टूर्नामेंट था, यानी जस्ट बिफोर मुंबई अंडर 19 की टीम निकालने के पहले अपने जो प्रैक्टिस मैचेस नहीं सिलेक्शन मैचेस रहते हैं उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई थी और उसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और वो परफॉर्मेंसेस पे मुझे अंडर 19 में लिया था मुंबई अंडर 19 और देन उसके बाद इंडिया अंडर 19 के लिए मैं सिलेक्ट हो गया था टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड अंडर 19. बट तभी मुझे मुंबई सिलेक्टर्स ने इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया अंडर 19 उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ मुंबई के लिए आके आपको रणजी ट्रॉफी खेलना है. सो वो प्रोग्रेशन हो गया मेरा इमीडिएटली. ऑब्वियसली इंडिया अंडर 19 भी एक बहुत बड़ी बात है, प्रेस्टिजियस चीज रहती है, बट तभी सिलेक्टर्स को लगा कि मैं मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना इंपॉर्टेंट है. तो वो एक्चुअली वॉज अ टर्निंग पॉइंट कि मैं रणजी ट्रॉफी खेला और उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ यू नो एक फ्लो आ गया मेरा क्रिकेटिंग करियर में एंड आई थिंक दैट वॉज क्रूशल. एंड देन मैं रेगुलर खेलते गया मुंबई के लिए, परफॉर्मेंसेज देते गया. आई थिंक मुंबई के लिए खेलना तभी आसान नहीं था क्योंकि ईच मैच में परफॉर्मेंस करना और आगे बढ़ना इज द की. तो लकीली मेरे परफॉर्मेंसेज अच्छे होते गए एंड देन आई वॉज अ रेगुलर मेंबर ऑफ द मुंबई साइड. एंड देन एज टाइम वेंट बाय जोनल खेलने को मिला, वेस्ट जोन खेले और फिर इंडिया के लिए प्रोग्रेस किया. यस. के तो मुंबई टीम का माहौल कैसे था? कि हमने सिर्फ मेरे जो एज के हैं सब लोग ऐसे सुना है और आपका जो टीम था वो सब बहुत सारे चैंपियन 92 से लगातार बहुत सारे साल चैंपियनशिप जीत रहे थे और आप ऑलमोस्ट आई थिंक वही टाइम में कुछ तो डेब्यू किया था 92-93 में किया था आपने. तो वहां से कंटिन्यूस बहुत सारे साल जीतते गए तो वो माहौल कैसे था, वो चैंपियनशिप माइंड सेट कैसा था? देखो मुझे लगता है कि से अबाउट लेट 80s और 2000 एंड ऑलमोस्ट 5-6 के जो पीरियड में था, यानी मैं 91-92 में डेब्यू किया मैंने, बट उसके पहले भी जो भी मैं क्रिकेट मुंबई में देखता था वानखेड़े पे रणजी ट्रॉफी के मैचेस देखता था और लोकल टूर्नामेंट्स भी देखता था, एक यू नो अमेजिंग स्ट्रक्चर था तभी मुंबई क्रिकेट में. अभी भी है, इट्स नॉट दैट अभी नहीं है, बट वो पीरियड में हमारा जो एनवायरनमेंट था टीम के अंदर आई थिंक दैट इज द बेस्ट एनवायरनमेंट आई हैव एक्सपीरियंस टिल नाउ व्हाट एवर क्रिकेट आई हैव प्लेड. क्योंकि ईच प्लेयर को कैसा था उसको रोल क्या है मालूम था. सो एज अ लेग स्पिनर मेरा रोल था मुझे यू नो ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है. इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ लेग स्पिनर यू हैव टू मेंटेन गुड लाइन एंड लेंथ, प्रेशर बिल्ड करना है, एट द सेम टाइम विकेट्स भी निकालने हैं और यू नो मेक श्योर दैट आई एम परफॉर्मिंग. तो मेरा रोल वो था और एज अ बैट्समैन ऑल्सो नंबर 8-9 पे जब भी बैटिंग आए तो यू नो कॉन्ट्रीब्यूटेड वॉट एवर वे आई कैन. सो दैट वॉज वेरी क्रूशल. देन ईच प्लेयर ईच यू नो फास्ट बॉलर लो जो बैट्समैन थे उनका भी जो रोल था वॉज अमेजिंग. एज आई सेड सचिन विनोद अभी आमोल भी था यू नो वसीम जाफर था, ऑल दीज फैंटास्टिक बैट्समैन, ईच वन वर डिफरेंट बट ईच वन वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर अप्रोच ऑफ परफॉर्मिंग. तो ईच वन यू नो कैसा रहता है कि हमेशा आप अपना कॉन्ट्रीब्यूट करते जाते हो एज अ टीम, इवेंचुअली वो हेल्पफुल हो जाता है एंड यू द टीम डज वेल. एंड वो फेज में वो एक्चुअली वो ऐसा हुआ कि सारे जन अपना काम करते गए और एज अ यूनिट बहुत ही हम लोग स्ट्रांग थे. सो रियली डजंट मैटर कि सामने का टीम कौन है, स्ट्रांग टीम्स भी हम लोग ने खेले बट हमारा फोकस हमारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे रहने का और इंडिविजुअल एज अ यूनिट के हिसाब से रहने का और दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन अस परफॉर्मिंग एंड ईच वन यू नो एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी. दैट वाज सो क्रूशियल. ईच वन एंजॉयड ईच अदर्स परफॉर्मेंसेस एंड जो यू नो वी यूज्ड टू यू नो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर. बट आई थिंक मॉडर्न टाइम्स हैव चेंज्ड, ईच वन हैज हिज ओन लाइफ एंड यू नो हाउ मच यू कितना वो sort of team bonding ho jata hai matches ke baad especially is also very crucial. But tabhi as I said that was the most important part and captains were very good. You know we Sanjay Manzikar, Ravi Shastri, they were brilliant captains. You know usme they got the best out of us. You know wahan pe you know emotions nahi tha but you have to be very very strong in your mind, you have to be very intense in your approach towards the game and make sure that performances jo bhi karte ho उसमें आपको टीम को जिता के देना है. ऐसा नहीं कि आप खुद के बारे में सोच रहे हो और परफॉर्मेंस करते जा रहे हो लेकिन टीम नहीं जीत रही है.
बट लक यानी वो फेज में आई थिंक जो भी परफॉर्मेंस हुआ वो टीम को जिताने के लिए था, इसलिए दैट्स द रीजन हम लोग ऑलमोस्ट 6 रणजी ट्रॉफी, 2 आई थिंक 2 ईरानी ट्रॉफीज, यानी वो 10 ईयर का या 12 ईयर का स्पैन में हम लोग जीते. सो आई थिंक दैट इज द की, आई थिंक टीम कॉमराडरी, टीम स्पिरिट, एंड आई थिंक यू नो अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स गेम एंड यू नो बींग बाई ईच अदर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दैट वॉज द इम्पोर्टेंट पार्ट. और कौस्तुभ वो फेज में कैसे आईपीएल भी वगैरह नहीं था, सो हमको हमारे दिमाग में एक चीज था कि आप करेंगे तो आपको इंडिया के लिए खेलना है, इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इफ यू वॉन्ट टू बी यू नो हैव यू नो अ गुड लाइफ स्टाइल, तो आपको यू नो वो इम्पोर्टेंट था कि इंडिया ही खेलना है, अदरवाइज यू कैन यू नो नॉर्मल रूटीन वर्क में कहाँ पे जॉब मिल जाता था, विच इज ऑल्सो फाइन, बट इफ यू वॉन्ट टू एक्सेल और कुछ अच्छा खुद में से अच्छा निकालना होगा तो इंडिया वॉज द ओनली एम फॉर अस दैट पर्टिकुलर टाइम. सो वी हैड टू परफॉर्म, और कॉम्पिटिशन तो था ही, तो हमेशा रहता ही है. सो वी वर ऑलवेज इन मुंबई ड्रेसिंग रूम, एवरीबडी परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल टू प्रूव अ पॉइंट टू हिमसेल्फ दैट हाउ गुड ही इज टू बी प्लेइंग फॉर द कंट्री. ओके सर, आप नीलेश कुलकर्णी और थोड़े साल के बाद रमेश पवार भी आए थे, तो सब तीनों के तीनों इंडिया खेले, तो वो कंपटीशन कैसे था? क्योंकि अगर बैटिंग पिच रहेगा तो मैं हर बार सोचता हूँ कि कौन खेलता रहेगा, तीन स्पिनर टीम में ऑलरेडी है, तो नॉर्मल क्या होता था वो टाइम में? क्योंकि मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, एक ऑफ स्पिनर भी है, एक लेग स्पिनर भी, तो मेरे लिए तो डिफिकल्ट है. क्या कैसे अभी ऑपोजिशन के हिसाब से हम लोग सिलेक्शन करने के, और एट द सेम टाइम विकेट के हिसाब से भी. कभी कभी क्या होता था कि विकेट समझो ग्रीन रहते थी वानखेड़े स्टेडियम पे, वहां पे सीमर्स का ज्यादा काम रहता था, सो दैट पर्टिकुलर टाइम थोड़े डिसीजंस थोड़े हार्ड रहने के डिफिकल्ट. जब मैं भी कैप्टन था तो मुझे मेरा भी थोड़ा डिफिकल्ट होने का नीलेश को ड्रॉप करने का, बिकॉज यू नो ग्रीन विकेट पे फास्ट बॉलर्स का ज्यादा यानी ज्यादा बॉलिंग करने वाले रहेंगे तो उतने ओवर्स नीलेश को मिलने नहीं वाले हैं, और वैसे एज अ कैप्टन भी रहने का तो मैं लेग स्पिन और बैटिंग भी कर लेने का, सो कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स. बट यू नो जब भी हम लोग स्पिनर्स खेलने के वी डिड वेल, बिकॉज वानखेड़े का विकेट भी वैसे अच्छा ही रहने का ऑन द थर्ड और द फोर्थ डे फॉर स्पिनर्स, रेड सॉइल रहने का, बाउंस रहने का, सो आई थिंक परफॉर्मेंसेज फ्रॉम नीलेश वर ऑल्सो एक्सेप्शनल. यू नो ही वॉज ब्रिलियंट एंड ही इज बोल्ड सम मैच विनिंग स्पेल्स, एंड यू नो उसका इमैक्युलेट एक्यूरेसी लाइन एंड लेंथ, और ही बिकॉज ही वॉज टॉल जो बाउंस भी मिलने का विच वॉज अमेजिंग. सो आई थिंक दिस द कॉम्बिनेशन हमारा दोनों का वॉज वेरी वेरी यूजफुल टू द टीम, एंड आई थिंक दैट इज हाउ वी ट्राई टू क्रिएट यू नो प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन एंड विकेट्स निकालने को देखने का. सर आपने दुलीप ट्रॉफी एंड दुलीप ट्रॉफी में भी 13 विकेट्स निकाले थे, और उसके बाद भी आपका इंडियन सिलेक्शन हुआ था, तो वो टाइम में आपको कैसा लगा? नहीं अच्छा था, आई थिंक यू नो तभी एज आई सेड दो एरा था, अनिल कुंबले का एरा था, इन द सेंस ही वाज बहुत अच्छा बॉलिंग डालने का, विकेट्स निकालने का, और इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा कर रहा था. और जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो ईरानी ट्रॉफी में और मेरे से वो विकेट्स निकाले गए थे 13 विकेट, तो आई थिंक इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक दैट वॉज वेन आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ टू प्ले फॉर इंडिया. बट अगेन टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्पिनर इन दैट इंडियन टीम वॉज ऑल्सो नॉट वेरी ईजी. सो मुझे मालूम था कि जब भी कभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी मुझे वो मिलेगी, क्योंकि मेरे परफॉर्मेंसेस वैसे थे, बट मैं कंप्लीटली उसके ऊपर यू नो फोकस नहीं रखने का, मैं फोकस रखने का मेरे अपने आप पे कि मुझे क्या करना है, मुझे परफॉर्मेंस करते रहना है, और अपॉर्चुनिटी जो है वो सिलेक्टर्स के ऊपर रहने वाली है, और जब भी वो क्रिएट होगी तभी ही मुझे चांस मौका मिलने वाला है. सो मैं आई वॉज नॉट स्ट्रेस्ड आउट विथ इट, बट आई थिंक वो परफॉर्मेंस जो था अच्छा था जिससे मुझे वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, and I think you know which was it was a very good game also. Wankhede pe khele the, I think Wankhede was my lucky ground as well to pick wickets, and it was good you know that particular era you know in that particular time where you know these highly skilled players were there also, you know, with the rest of India team mein Rahul tha, VVS tha, all these you know fantastic, Praveen Amre tha, all these Vijay Yadav, and all these guys were super players. So I think to do well in that game and then create that opportunity for the Indian team was I think was good. Okay, sir,
महाराष्ट्र के लिए जब आप खेले थे तभी चंदू सर कोच थे क्या? चंदू सर कोच कराए, हाँ, तो वो टाइम में आपने मुंबई को हराया था, तो वो टाइम में क्या माहौल कैसा था महाराष्ट्र टीम में? क्योंकि राइवलरी हमेशा रहती थी महाराष्ट्र और मुंबई में, और आप जब महाराष्ट्र के, आपके डैड भी शायद महाराष्ट्र के लिए, हाँ, एक रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं महाराष्ट्र के, तो वो माहौल कैसे था वो टाइम? बहुत ही अलग लग रहा था, क्योंकि मैं 3 साल महाराष्ट्र के लिए खेला, उसमें से 2 साल हम लोग ने मुंबई को हराया था और 1 साल मुंबई ने महाराष्ट्र को हराया था. बट अमेजिंग था, इन द सेंस मैं वानखेड़े पे जब गया था, महाराष्ट्र के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुंबई टीम के साथ अगेंस्ट खेल रहा हूँ, ऑब्वियसली टोटली डिफरेंट फीलिंग था. बट कैसा है कि जब खेलने जाते हो तभी आप प्रोफेशनल रहते हो, आपको आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको अपने यू नो यू हैव टू फुलफिल दैट. तो वो करने के इसमें मैं अपना परफॉर्मेंसेस करते गया. मुनाफ पटेल भी मेरे साथ यू नो मुंबई छोड़ के महाराष्ट्र आया था, सो वो भी एक एसेट था टीम के लिए. फास्ट बॉलिंग भी हमारा स्ट्रांग हो गया था एज अ महाराष्ट्र टीम. एंड देन मुंबई का ऑब्वियसली टीम वॉज वेरी गुड, अगेन इट वॉज वेल बैलेंस्ड विद सीनियर्स एज वेल एज जूनियर्स. बट आई थिंक इंपॉर्टेंटली वी प्लेड गुड क्रिकेट इन दोज 4 days. यू नो आई थिंक वी बैटेड वेल. वो एक ऐसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हम लोगों ने जिससे यू नो मुंबई को बैकफुट पे जाना पड़ा. बट आई थिंक दैट वन गेम इन नासिक व्हेन वी प्लेड, मुंबई ने बहुत धुलाई दी, यानी वसीम ने बहुत रन किए थे, 550-600 रन की फील्डिंग की थी हम लोगों ने. सो या यू नो इट वॉज यानी डिफरेंट फील होता है. और जब हारने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में मैं गया था, मुझे ही अलग लग रहा था कि ये क्या हो रहा है. बट यू नो इट्स अ गेम, इट्स अ यू आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. बट वो अटैचमेंट जो है वो रहती है. बट यू नो जस्ट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला मुझे व्हेन आई प्लेड दैट मैच. ओके, तो आप 6 रणजी टाइटल जीत चुके हो, तो आपका बेस्ट सीजन कौन सा था उसमें? और आई थिंक मेरे, हां, एज अ टीम आई थिंक व्हेन रवि शास्त्री वाज कैप्टन, आई थिंक दैट ईयर वाज एक्सेप्शनल. You know, winning after 10 years something, that season? That was his last season, and I think it was 94-95 93-94 yeah, 93-94 yeah, so I think you know that was very crucial season, in a sense amazing season, because Ravi was a brilliant captain. You know, wo, he knew exactly her player se कैसे बेस्ट निकालना है. एंड आई थिंक आई फॉर मी इट वॉज अमेजिंग बिकॉज यू नो ही रियली टॉट मी हाउ टू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट, एंड आई थिंक दैट चेंज माई वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स द गेम, एंड दैट इज द रीजन आई कुड अप्रोच द गेम इन अ डिफरेंट वे फॉर द कमिंग ईयर्स. अप्रोच वॉज ब्रिलियंट. आई थिंक यू नो दैट ईयर भी हम लोग ने जो मैचेस जीते थे, हारते हारते मैचेस, यू नो आई थिंक एक में इंसिडेंस है, एक मेरे लिए बैटिंग वाइज एक इनिंग था वो अगेंस्ट कर्नाटका, वो मैच में it was the quarter finals against them and we had to chase 464 log ne run kiye the, ek inning ka hi match hua, lekin wo 464 karne mein we had lost 5 wickets for about 120 odd. fir meri aur ravi ki partnership ho gayi thi, ravi ne 150 kiye the, maine kuch 130 kiye the. so you know, and wo log, hum log ne first inning lead li thi 464 karke, which is wicket was turn ho raha tha, bahut sara appeals ho raha tha, amazing atmosphere tha. But see, that is what Mumbai cricket, and that is what I think Ravi's influence tha that year. And after that, I think you know, 2003-04 mein, in fact 4-5 mein, when I was captain, winning the Ranji Trophy was special, yeah, as a captain. So yeah, all the years have been very very good and special. You know, captaincy is one part, but every year going there for Mumbai and performing and winning tournaments was the key part. And I think consistently we were there and thereabouts. Either we won the tournament or semi-final, not the quarter-final. ये कैसे भी करके वो हम लोग पहुंच ही रहे थे. Okay. Yeah. थोड़ा viewers question लेता हूँ मैं. सर थोड़ा viewers question लेता हूँ. कल स्टोरी में डाला था तो बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, तो उसमें से सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछता. तो एक फैजान का क्वेश्चन था, तो टप्पा, जिस बॉलर को टप्पा नहीं मिलता उन लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो वो टाइम में माइंडसेट कैसा रहना चाहिए? ये
टप्पा गिरने नहीं गिरने का कारण इज प्रॉब्ली लैक ऑफ प्रैक्टिस. ये एज अ स्पिनर आप बोल रहे हो कि एज अ फास्ट बॉलर बोल रहे हो, एज अ बॉलर ओवरऑल इम्पोर्टेंट है कि स्पॉट बॉलिंग करना. मेरा एक थियोरी जो है, आई थिंक इफ यू डू अ लॉट ऑफ स्पॉट बॉलिंग, लॉट ऑफ टारगेट बॉलिंग, डिफरेंट एरियाज में आप कोन रख के डिफरेंट एरियाज में आप एक सिचुएशन क्रिएट करो जहां पे आपको बॉल डालना है, और वो स्लोली स्टेडली एक एक स्टेप पीछे लेते जाइए, क्रीज के उधर खड़े रहिए, वहां से डिलीवर करके देखो कि वहां पे बॉल गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है. नहीं गिर रहा है तो क्यों नहीं गिर रहा है, यू हैव टू लुक इट टू इट इन डिफरेंट वेज, आपका एक्शन कैसा है क्या है. बट इम्पोर्टेंटली द ओनली सोल्यूशन आपको एक्यूरेसी लाइन एंड लेंथ लाने का इज अ लॉट टू डू लॉट यू नो बी मोर कॉन्फिडेंट एंड क्रिएट दैट लिटिल मोर बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन बोल दैट बॉल देयर. बट आई थिंक यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन, और एक्सपेशली स्टॉक बॉल जो है उसका ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस. सो फॉर मी द आंसर इज अ लॉट ऑफ स्पॉट बॉलिंग. ओके, जगदीश रेड्डी का क्वेश्चन है, हाउ टू ड्रिफ्ट द बॉल. See, the drifting of the ball is again, as a spinner, is entirely up to the revolutions or the effort you put in during the point of release. You know, the moment you, you know, the right release hoga, so ball ka bhi ek theory rehta hai ki the force applied to it also, you know, there is a big chance it will drift inwards or depending on the off spinner or leg spinner you are and depending on the shine where you are holding. So, उसके ऊपर भी रहता है, बट इंपॉर्टेंटली है वो रिलीज पॉइंट पे जिस तरह से आपका एफर्ट जो लगता है बॉल के ऊपर. सी एज अ लेग स्पिनर आई कैन से कि आपका फिंगर्स और रिस्ट अच्छा बॉल पे लगता है, सो एक नेचुरल वेरिएशन एयर में ही हो जाता है एज अ लेग स्पिनर बिकॉज यू नो ऑफ द एंटी क्लॉक मूवमेंट ऑफ योर रिस्ट दैट गिव्स दैट रेवोल्यूशन टू द बॉल्स एंड दैट फोर्स इज क्रिएटेड एंड दैट्स द रीजन बॉल एज अ लेग स्पिनर डिप भी होता है और वो ड्रिफ्ट भी होता है. लेकिन ये ड्रिफ्ट के पीछे हम भागते जाएंगे तो वैसे ही ड्रिफ्ट नहीं आने वाला है. ये ड्रिफ्ट होता है ओनली एट द पॉइंट ऑफ रिलीज जिस तरह से आप एफर्ट डालते हो बॉल स्पिन करने के लिए. सी द मोर यू स्पिन द बॉल इन द एयर सो ऑटोमेटिकली देर विल बी मोर ड्रिफ्ट. बट यू नो विद मॉडर्न टाइम्स वो हम लोग करते नहीं है बिकॉज ऑफ द T20 फॉर्मेट. यू ट्रेंड टू पुश द बॉल एंड वेन यू पुश द बॉल यू नो ऑल द बॉल डजेंट गिव गेट दैट एयर. So keeping it very simple, I would like to say that, you know, you as a spinner, you have to spin it and you have to give that ball that little air for giving it time to spin. So once you give that time, there will be drift also because not every ball you will get drift. You will have to, you will only get drift when you are bowling sort of with that control over it. And the release point, as I said, mentioned also has to be, you know, mastered. सर एक मेरा क्वेश्चन है कि कौन से एज से वेरिएशन स्टार्ट करना चाहिए. नॉर्मली आजकल वेरिएशन कौन से एज से स्टार्ट करना चाहिए. नॉर्मली आज सब आईपीएल देखते हैं तो लेग स्पिन उनका अच्छा नहीं होता तब डायरेक्ट स्टार्ट करते गुगली और सब बाकी के वेरिएशन. तो आपको क्या लगता है कि जो भी अभी लेग स्पिनर बोले तो सबसे ज्यादा वेरिएशन आई थिंक लेग स्पिनर में रहेगा. स्लाइडर है, फ्लीपर है, गुगली है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स है. तो आपको क्या लगता है कि कैसे डेवलप करना चाहिए वेरिएशन एक बॉलर ने. मुझे देखो एवरी यंगस्टर जो होगा डिपेंडिंग इज अबाउट 12 इयर्स ओल्ड और ही इज यू नो बिटवीन द एज ऑफ 12 एंड 17 इज द टाइम व्हेन यू कैन रियली टीच देम अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसके पहले इट्स आई थिंक पर्सनली यू नो प्लेयर शुड बी जस्ट यू नो एंजॉयिंग हिज क्रिकेट. बट जब ही 12 साल का जो होता है एज अ स्पिनर यू नो यू हैव टू सी क्या उसके वेरिएशंस है और समझो वो नेचुरल वेरिएशन से एज अ लेग स्पिनर होगा वो लेग स्पिन डालता है वो गुगली भी डालता है तो उसको एनकरेज करना चाहिए वो डालने के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसका माइंड ब्लॉक करना कर देना चाहिए कि सिर्फ लेग स्पिन ही डालो कि लेग स्पिन तुम्हारा स्टॉक बॉल पहले डेवलप करो. बट ही इफ ही इज इन अ पोजिशन टू बोल दोज एक बच्चे के पास नेचुरल रहता ही है यानी वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर रहेगा तो उसका एक नेचुरल वे ऑफ बोलिंग एन आर्मर रहेगा कि ओवर स्पिन रहेगा तो वो वेरिएशन उसको डेवलप करना ही पड़ेगा. आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आर बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दैट एंड यू उनका फोकस आप कंप्लीटली सिर्फ स्टॉक बॉल पे डालते हो वो वेरिएशन कर भी पा रहे हैं लेकिन हम उनको करने नहीं देते क्योंकि आपको उसका स्टॉक बॉल इंप्रूव करना है डेवलप करना है. तो मेरे हिसाब से इफ यू हैव वेरिएशन नेचुरल वेरिएशन अपने पास में होगा तो उनको मास्टर करने को देखो और
उनको उनको कॉन्फिडेंस दो कि ये करते जाओ, बिकॉज यू नो आपके पास नेचुरल चीज जो होगी उसको करना इज द की. आप खुद को दबाते बैठेंगे, नहीं करेंगे, नहीं डालेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो कभी आपको पता नहीं चलेगा. एंड आई थिंक वो पीरियड जब तभी निकल जाता है और उसके बाद आप क्या करते हो, व्हेन यू आर 15 16 वेरिएशंस के लिए ट्राई करते हो, देन वो एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है. तो आपके पास इन केस नेचुरल वेरिएशंस हो गए, सो मेक श्योर दैट यू यू कीप बोलिंग इट. एंड आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू टू यू नो मेक श्योर दैट यू आर आस्किंग देम टू बोल दोज वेरिएशंस. ओके अनिल, अनिल जगताप का क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू बिकम गुड प्रोफेशनल क्रिकेटर आफ्टर 25? Yes, I think, you know, 25 is some, it's a time where you somehow know a lot about your cricket. You know, I think as a cricketer, you mature. Aap batsman hoge, bowler hoge, to aapko pata chal jata hai ki chalo mera cricket ka level kya hai aur whether ye level mujhe professional cricket bana sakta hai ki nahi. That is, if you have the aim to play for the country or you have the aim to play IPL or which whatever it may be, or it might be first class cricket also. So you have to know whether you're capable of doing that. Those skill levels jo tumhare hai, tumhare at 25 acche rahenge and you feel that you can play, you should. I think, you know, because it's not an age where you can decide not to play. See, once you're, I personally feel once you're post 35, that is the time you really have to think whether you want to pursue or not. Yeah, there are very few people who can really do it, you know, and achieve things. So for me, 25, please go ahead, pursue your dreams and be a professional, doesn't matter. Okay. सबको बताना चाहूंगी सर ने बहुत सारे रणजी टीम्स को भी कोचिंग की है, कोच है अभी शायद आप गुजरात के कोच हो करण सर कि अभी कुछ गुजरात गुजरात टीम के हेड कोच हूँ. हाँ सॉरी, अभी कोई दूसरा ऑफर आ रहा है ऐसा कुछ नहीं ना कि गुजरात के? नहीं नहीं, गुजरात के हूँ मैं और राजस्थान रॉयल्स का स्पिन बॉलिंग कोच. स्पिन बॉलिंग कोच है. देन आपने केरला, विदर्भ एंड बंगाल के लिए भी बहुत साल कोचिंग की है, तो मुझे से आपको पूछना था कि आप इतने सारे स्टेट्स में घूमे हो, तो मुंबई एंड अदर स्टेट के कल्चर में क्या डिफरेंस लगता है आपको? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि कल्चर और डेवलपमेंट ना सब जगह हो गया है. It is not that it, you cannot bound it only to Mumbai or any other state. I think because of IPL, the exposure jo hua hai over the period of time, sare districts mein se sare jagah pe players jo notice nahi kiye ja rahe the, wo notice kiye ja rahe hai aur they are doing exceptionally well. Bahut development ho chuka hai. But see, Mumbai ka culture jo raha hai aur winning culture raha hai, that's the reason ek process tha jisse itne sare years हम लोग रणजी ट्रॉफी जीते हैं. बट नाउ इफ यू रियलाइज दैट अदर स्टेट्स एंड ऑल द पीपल आर कमिंग इन बिकॉज उनका भी स्ट्रक्चर जो है, उनका भी डेवलपमेंट जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है. एंड एक सेल्फ बिलीफ भी हो गया है कि हम लोग वो कर सकते हैं और हम लोग जीत सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज, आई थिंक इट्स नॉट ओनली बाउंड टू मुंबई क्रिकेट नाउ, इट इज बाउंड टू ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया. एंड इट इज, आई थिंक इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी हेल्दी. सो आई थिंक मोर क्रिकेटर्स, अच्छे क्रिकेटर्स भी आएंगे और सारे बच्चे लोग जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे क्रिकेट नहीं पहुंच रहा था वो वहां पे पहुंच गया है और वो डेवलपमेंट अमेजिंग हो रही है. सो फॉर मी आई थिंक इट हैज लॉट टू डू विद ओवरऑल इंडियन क्रिकेट एंड नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मुंबई क्रिकेट. या थोड़ा कल्चर जो है मुंबई क्रिकेट का वॉज गुड, बट आई थिंक यू नो इट इज अमेजिंग हाउ द ट्रांजिशन हैज टेकन प्लेस ओवर द इयर्स एंड शिफ्ट ऑफ you know sort of cultures have been amazing. Sabko batana chahu ki main sir ke under ek time MIG cricket club mein tha, tabhi hamara camp tha ek few weeks ke liye tha, to wo time mein hum log pehli bar mile the aur uske baad mein shayad sir aap ranji trophy mein coach the wo time jab Bengal versus Mumbai ka match hua tha Nagpur mein few years ago, 3 years. हाँ जी 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 करेक्ट. जो डिंडा ने जो अच्छा स्पेल डाला था सेकंड्स, हाँ ऑलमोस्ट, हाँ क्लोज मैच हुआ था, चंदू कोच थे विदर्भ के. राइट राइट. तो वो आपको मेरे में इतना क्या डिफरेंस लगा, तभी आपने मुझे अंडर 19 के टाइम देखा था और रणजी ट्रॉफी में, तभी आपके सामने फर्स्ट इनिंग में भी स्विमिंग ट्रैक में 78 किए थे मैंने. हाँ. तो आप क्या डिफरेंस लगा था इतने सालों?
नहीं मुझे कौस्तुभ तेरा व्हेन इट कम्स टू योर क्रिकेट ना, कि एवरी एवरी ईयर अलग टाइप ऑफ कोचिंग होता है, एंड ईच टाइम जब कोचिंग होते जाता है ना, तो आपको खुद को मालूम होना मांगता है कि वेदर दैट इज यूजफुल फॉर मी और वेदर इट इज नॉट यूजफुल फॉर मी. सो मेरा मेरे आई ऑलवेज फील दैट एक एवरी प्लेयर शुड कीप हिज ओरिजिनल वे ऑफ प्लेइंग. एटलीस्ट 70 to 80% ही शुड फोकस ऑन द वे ही स्टार्टेड प्लेइंग, व्हाट गॉट हिम सक्सेस, व्हाई ही वाज प्लेइंग, व्हाई ही वाज बैटिंग सो वेल ओवर द टाइम, इतने रन क्यों किए जा रहे थे जिसके वजह से उसको अपॉर्चुनिटी मिली है हायर लेवल. द मोमेंट आप हायर लेवल खेलने लगते हो, उसके बाद सजेशंस आते हैं. यस दे आर गुड सजेशंस, एनालिसिस किया जाता है, वो सारी चीजें अच्छी है, बट कहाँ ना कहाँ पे अपना ओरिजिनल वे ऑफ प्लेइंग वो शिफ्ट हो जाता है और हम लोग हमारा थॉट प्रोसेस दूसरे के ऊपर चला जाता है कि वो मुझे चाहते हैं ऐसा खेलना चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है. बट ओरिजिनल द वे आप खेलते हो, आप वो 70-80% रखोगे, आप देखोगे कि देर इज मोर चांस ऑफ यू परफॉर्मिंग बिकॉज दैट इज द वे यू हैव बैटेड. सो आई थिंक फॉर मी ओवर द इयर्स द शिफ्ट इन योर माइंडसेट इज द की पार्ट. सो दैट माइंडसेट हैज टू बी द सेम द वे यू स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, यू नो व्हाट, समझे? तो ये क्योंकि क्या होता है कि बहुत अपना ओवर द पीरियड इंडियन इंडियन कल्चर में ही है कि अपने पास सजेशंस बहुत आने वाले हैं. ईच स्टेप में अंडर 15 लो, अंडर 16 लो, 19 लो, 23 लो, रणजी ट्रॉफी लो, फिर तुम्हारे पर्सनल कोचेस रहते हैं. तो इसमें ये सारे चक्कर में अपना ओरिजिनल गेम कहाँ ना कहाँ भूल जाते हैं, और मुझे लगता है ओरिजिनल गेम के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए. सो आई थिंक यू नो यू ऑलवेज बीन अ स्ट्रोक मेकर, यू नो, सो तू पॉजिटिव प्लेयर है, ऑलवेज पॉजिटिव खेलता है, सो वॉट, यू हैव टू बी, यू आपका जो इंस्टिंक्ट पे जो होता है वही करना चाहिए. जब आप सोचते हो कि मुझे डिफेंसिव होना चाहिए और अच्छा टेक्निक के साथ खेलना चाहिए और मेरा यू नो बेटर करना चाहिए, तभी कहाँ ना कहाँ पे आप अपने गेम के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हो और कंफ्यूज रह रहे हो. तो मुझे लगता है वो नहीं करके, दैट दैट वॉज द ओनली डिफरेंस आई थॉट, यू बाय यू गॉट रन ऑल्सो, लेकिन और कंसिस्टेंट होने के लिए और अच्छा यू नो परमानेंट होने के लिए, ये मुझे वो डिफरेंस तेरे में लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ डिफरेंट कोचिंग एस्पेक्ट्स. एक्चुअली मैं जब दो फर्स्ट 2 साल जो रणजी ट्रॉफी में रन किए थे, तो वो टाइम में मैं सब दोनों साल दुलीप ट्रॉफी खेला और इंडिया अंडर 23 में, तो वो टाइम में मुझे रोल दिया था कि तुझे सिर्फ एक जगह पकड़ के रखना है, क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट में वो रोल सबसे अच्छा निभा सकता हूँ और मैं बॉल छोड़ता भी अच्छा. तो वो टाइम मेरा 2 सीजन बहुत अच्छा गया, और थर्ड सीजन में थोड़ा मुझे बोले कि इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा शॉट्स खेलना पड़ेगा. तो एक्चुअली सेकेंड सीजन में शॉट्स खेलना चालू किया था, पर थोड़ा और ज्यादा करने बोले, तो वो थोड़ा मुझे तभी लगा कि फर्स्ट 2 मैच मेरे अच्छे गए थे, बाद में जो मैंने स्ट्रगल किया थोड़ा टेक्निक इश्यू भी हुआ, तो ज्यादा शॉट्स खेलने लगा था क्योंकि वो दिमाग में डाल, और मैं कोचेस लोग का दोस्त, कोचेस और सीनियर लोग का सुनता, तो मैंने अपना गेम छोड़ के थोड़ा शिफ्ट किया और वहां पे स्ट्रगल किया, और बाद में मेरी वो बस कम बैक किया, तभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला अगेंस्ट न्यूजीलैंड के सामने. तो वो टाइम में चंदू सर कोच थे, तो वो टाइम में उन्होंने कुछ बोला नहीं था, कि नॉर्मली मैं इंग्लैंड से आया था और बोले मैच खेलना है तेरे को अभी आना है. तो वो मैच में भी मैंने 100 नॉट आउट किए थे, वो टाइम में मैंने नॉर्मली बैटिंग की थी, कुछ नहीं किए थे. बाद में वापस जो मैसेज आया, फिर मैंने वो टाइम में सोचा वापस, फर्स्ट मैच में रन किए थे, पर तभी श्रेयस अय्यर इंजर्ड था तो मुझे चांस मिला, 1 डाउन गया था वो, तो वापस नेक्स्ट मैच ड्रॉप किया था क्योंकि श्रेयस अय्यर कम बैक किया था वापस. वापस जब चांस मिला तो वो तभी इतना मैच्योर नहीं था मैं कि कैसा ये करूं, कि मतलब कोई बोला है मुझे, पर मेरा जो गेम है वो छोड़ छोड़ के मैं दूसरा सोच रहा था. जब भी बंगाल के सामने भी मैंने रन किए तो मैं भी करियर का बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट 70 and 100, 105 balls में किए थे. तो वो टाइम में माइंडसेट मेरा ऐसा था कि जो भी बॉल मुझे, क्योंकि मैं मुझे मालूम है आउटसाइड ऑफ स्टंप में अगर रूम रहेगा तो मैं वनडे में नॉर्मली मारता हूँ, घुमाता हूँ, या टेक्निक में मारता हूँ, ऐसे नहीं कि आड़ा मारू. तो वो मैच में आपने देखा है मैं कवर्स के ऊपर से भी 6 मारा था, नॉर्मल ड्राइव कर रहा था, एक बार एज लग, करेक्ट पर ऐसा नहीं कि खराब बैटिंग, आड़ा टेढ़ा नहीं मारा, नॉर्मल कर रहा था. पर वो मैच में क्योंकि रन नहीं हो रहे थे, तो माइंड में रहा मेरा ये शॉट में मैं रन कर सकता हूँ जो मैं नॉर्मली छोड़ता हूँ, तो उससे वो खेलूंगा तो रन भी आ सकते हैं, पर आउट तो कैसे ही हो रहा था, बोला एक बार आउट ट्राई कर लेते. तो वो मैच में 70, और अनफॉर्चुनेटली
बाउंसर डाला था लेग स्टंप के, बट लग के आउट हो गया था। तो वो उस टाइम में फिर एक मैच के बाद वापस करके ड्रॉप कर दिया था, फिर अभी वेटिंग हूँ कब कमबैक मिले। तो वही इसलिए मैं आपको पूछा था कि कैसा माइंडसेट रहना चाहिए, क्योंकि मेरा गेम टेस्ट क्रिकेट में बोला तो एक जगह खड़े रहने वाला, क्योंकि मैच जीता है मुंबई को, मैच जीता है जब आई एम स्पेशलिस्ट फॉर स्विमिंग ट्रैक, तो जब भी सामने वाले मेरा रिकॉर्ड भी है, लास्ट तक मैंने नॉट आउट भी रहा 100 मार के मुंबई के लिए। एग्जैक्टली, सो यू नो कौस्तु, दिस इज व्हाट अभी मैं जो भी एक्सप्लेन किया वही मैं बोलना चाहता हूँ। सी पीपल लाइक वसीम जाफर, पीपल लाइक पुजारा, people like all these people like Rahul Dravid, if I can say, you know, they exactly know what their game is. Or, you know, why was Rahul called the wall? Because the way he used to bat, any conditions, any fast bowler, any spinner, jo bhi opposition ho, he had the capacity to resist them and to play and play out the situation and make sure that wo team automatically acha position mein aa jati hai. Jab aapka strength jo hota hai, jo hai, yani aap acha ball chhodte hai, आपको रहने की कैपेसिटी है, तो ये आप खुद ही अभी रियलाइज कर रहे हैं कि शिफ्ट होते गए बिकॉज ओपिनियंस आते गए, तो उसमें आपने ओरिजिनल अपना गेम जो है वो चेंज कर दिया। तो कभी कभी वो चेंज करके आपको इन केस फायदा नहीं मिलता रहेगा तो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट, यू आर द वन हु इज गोइंग टू सफर। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो व्हेन यू लुक बैक ऑन टाइम समवेयर अलोंग द लाइन आपको लगेगा कि मैं नहीं करना चाहिए था। So, or, and sometimes I feel that is a bit too late. You know, I know you don't need that guidance, but any youngster listening to this or watching this also, I would like to say you have to understand your own game and see what suits you, because you can't be different. You can't be anybody else. You know, strike rate badhana, depending on the format, not everybody can be Virendra Sehwag. Right. So, aapko khud ka game malum hona chahiye, aur strike rate, Ranji Trophy mein strike rate ka एक्चुअल गरज है कि नहीं एज अ बैट्समैन समटाइम्स, बिकॉज इट्स अ लॉन्गर वर्जन। टेस्ट मैच में वन आई कैन अंडरस्टैंड, T20 एंड व्हाइट बॉल क्रिकेट में व्हेन यू नीड टू रोटेट द यू नो द रोटेशन होना चाहिए एंड यू नो स्ट्राइक रेट इज वेरी क्रूशियल, बट इन दिस ऑल्सो यू नो डिपेंडिंग ऑन योर गेम, इफ यू आर अ स्ट्रोक मेकर एज आई सेड प्ले योर स्ट्रोक्स, इफ यू आर नॉट अ स्ट्रोक मेकर एंड यू कैन बी इन अ टीम आई वॉन्ट समबडी हु कैन होल्ड द फोर्ट फॉर मी all throughout the day, you play out the 90 right. overs. So my team will be in a better position as a coach, I'm thinking. And everybody else can revolve around him. So look at Pujara. He's the way he has, you know, showed, you know, when he started with Saurashtra, uska bhi kaisa tha, wo uska strike rate itna achha nahi tha, lekin din bhar batting karne ka. Wo din bhar batting karne se bhi wo team ka score badh jata hai and we are in a tough position. You know what I'm saying? You know, opposition ke liye wo, it was so difficult to get him out, but that was his strength, so he never left out. Uske baad, as you get successful, usne test hundreds karne lage and all that stuff, uske baad wo, you know, he knew that probably yahan pe main aur better ho sakta hun. So it is a question of, you know, understanding their own game. And again, I want to repeat it, keep 80% of your original cricket. थैंक यू सर। आपका लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान रॉयल्स में आप स्पिन बॉलिंग कोच हो, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक यू नो आईपीएल एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट है एंड आई थिंक हाई प्रेशर टूर्नामेंट है। उसमें स्पिनर्स को अच्छे माइंडसेट में रखना बहुत क्रूशियल हो जाता है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद यू नो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू नो जाओ ईस्ट सोदी जो है, श्रेयस गोपाल है, अभी मार्कंडे है, राहुल तिवाटिया है, ऑल दीज गाइज आर देयर एंड दे आर अमेजिंग स्पिनर्स। टू वर्क विद देम यू नो बहुत मजा आता है, इन द सेंस यू नो उनके आइडियाज मुझे मिलते हैं, मैं उनको जहां जहां पे उनको आइडियाज चाहिए तो वहां पे देता हूँ। बट इम्पोर्टेंटली कि माइंडसेट प्लेयर्स का अच्छा रखना इज द क्रूशल थिंग इन आईपीएल, बिकॉज यू नो शॉर्टर फॉर्मेट में एक अच्छा दिन जाता है, एक बुरा दिन जाता है और यू नो इतना सारा चीजें जल्दी होते रहती है बिकॉज यू आर प्लेइंग अ मैच, ट्रैवल करते हो, नेक्स्ट वेन्यू पे वापस एक मैच खेलते हो, तो प्लेयर्स को भी इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो यू नो फॉर मी फ्रॉम द बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मैं स्पिनर्स को ट्राई करता हूँ एक अच्छे माइंडसेट में रखने को और यू नो ट्राई एंड बी एज बैलेंस्ड एज पॉसिबल एंड ऑब्वियसली वर्क एथिक्स एट दिस लेवल सबका अच्छा ही रहता है। So and the environment is amazing. I think IPL ka ek environment, you meet good players, you meet good oppositions, you meet good management,
in a samne wale bhi when we have opposite games, and you meet so many people you've not met over the years, and it's a global tournament. So and overseas bhi jo hamare hai wo bhi bahut acche hai. So you know, to interact with them, to know how they work, how they, what has made them successful, you know, amazing. So it's a good interaction, and I really enjoyed it. And thanks to Rajasthan Royals for giving me this opportunity to work with them. Yeah. Okay. Any message to youngsters? No, just believe in yourself, and as I said, play your original game, and you know, work hard, enjoy it, and manage your mind. That is all I can say. Okay. Thank you, Cyrus sir, for coming live. बहुत मजा आया, और होप जो भी यंगस्टर ये वीडियो देखेंगे उनको हेल्प करेगा ये सेशन. No, thank you very much also for having me here, and really enjoyed it, and all the best to you as well. Thank you. Cheers. Take care. Bye. Bye.